नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज प्रार्थना हो स्वीकार में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के दिव्य व्रत इंदिरा एकादशी के विशेष प्रभावों के बारे में। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी की तरह इस दिन भी श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना की जाती है। पितृपक्ष की ये एकादशी आपके और आपके पितरों के कल्याण के लिए विशेष लाभकारी होने वाली है। कैसे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पक्ष की सबसे पवित्र तिथि, पितरों को मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी। नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्रीहरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम दिन है। एकादशी का व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। एकादशी का ये व्रत श्रीहरि के सभी अवतारों की साधना का पर्व है। पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का यह महत्व है, इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत को करता है तो निश्चित है कि वह परम स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, कई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य भी प्राप्त करता है और यह व्रत परम वैभवशाली, समृद्धि और यश का कारक भी माना जाता है। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप भी समझिए एकादशी की महिमा। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्र, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है, ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या है इंदिरा एकादशी का महत्व और इसकी महिमा को खास क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि ज्योतिषियों के मुताबिक इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एक इंद्रसेन नाम के राजा थे, तो राजा के यहाँ एक बार नारद जी विचरण करते हुए जा रहे थे और उन्होंने इंद्रसेन जी से एक बात कही। उन्होंने कहा कि स्वर्ग लोक से जब मैं यमलोक की तरफ जा रहा था तो मैंने यमराज के स्थान पर वहां पर आपके पिताजी को देखा। आप अगर स्वयं इंद्रसेन जी के पास जा करके अगर बतलाएं कि इंदिरा एकादशी के दिन वह हमारा व्रत करे तो जिसके कारण से मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। जब उनके इंद्रसेन जी ने इस बात को जाना तो जानने के बाद उन्होंने यह इंदिरा एकादशी का व्रत किया
और इस प्रगम प्रताप के साथ इंद्रसेन ने अपने पिता को यमलोक से स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करा दिया। इस प्रकार से जो पुण्य प्राप्त कराया है वह इंद्र एकादशी के दिन ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में इंदिरा एकादशी के महत्व का उल्लेख किया है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आश्विन महीने की ये पवित्र एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या उनके अवतार होते हैं। आश्विन मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इस व्रत से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। खास तौर पर एकादशी का ये उपवास गंभीर रोगों से रक्षा करता है। पाप नाश और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रताप से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाते हैं व्रत और उपवास। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पितृपक्ष में किसी कारण से पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो इस दिन व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कुछ सावधानी भी इस एकादशी से जुड़ी है जिसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इंदिरा एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करें। काले नीले वस्त्र ना पहनें। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल रखें। सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। पूजा में पीले फल और फूल जरूर प्रयोग करें। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। आगे हम आपको इंदिरा एकादशी पर उपासना की विधि और पितरों के लिए विशेष प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे उत्तम मार्ग है एकादशी। इंदिरा एकादशी की विशेष पूजा से न केवल आपके जीवन की उन्नति होती है बल्कि पितरों की मुक्ति और मोक्ष के रास्ते आसान हो जाते हैं। अश्विन महीने की इस एकादशी पे कैसे करें श्री हरि की पूजा उपासना, इस व्रत का उत्तम विधान क्या होगा, देखिए। जीवन में होगा शुभता का प्रवेश, नष्ट हो जाएंगे जीवन के क्लेश। इंदिरा एकादशी पर पाप मुक्त हो जाएंगे आप। सृष्टि के पालक श्रीहरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना का महापर्व है एकादशी। इस मंगलकारी तिथि पर छोटी सी पूजा उपासना करके आप भी पा सकते हैं श्रीहरि से मनचाहा वरदान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तो विशेष महत्व है ही, उसके साथ ही साथ श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम से भी पुनश्चरण किया जा सकता है। इंदिरा एकादशी पर पूजा उपासना की विधि क्या होनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे। गौर से देखिए। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। पूर्ण रूप से जलीय आहार या फलाहार लें तो इसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। इस दिन फलाहार का दान करें और गाय को भी फल आदि खिलाएं। अगले दिन सुबह निर्धन लोगों को भोजन कराएं। वस्त्र आदि का दान करें और स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें।
पितरों की तृप्ति के इन दिनों में पड़ने के कारण ये एकादशी और भी फलदायी है। कई बार पितरों का उद्धार न हो पाने के कारण पितृदोष लग जाता है, जिससे हर कार्य में बार बार रुकावटें आती हैं। ऐसे में ये व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से रखेंगे तो पितरों का उद्धार होगा। इस तिथि को कुछ विशेष उपायों और प्रयोगों से अतृप्त और अशांत पितृगणों को मुक्ति दिलाने के उपाय भी किए जा सकते हैं। व्रत की विधि और नियम यह है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके भगवान विष्णु जी का नाम लेना चाहिए और उसके पूर्व एक दिन पूर्व व्यक्ति अगर शाम के समय फलाहार करके वह व्रत का नियम का पालन प्रारंभ कर देता है और दूसरे दिन वह षोडशोपचार के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करता है और इस पूजन में विष्णु सहस्त्र नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का पाठ किया करता है तो उसके साथ ही उसको परम पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन महाप्रयोग करके पितरों के लिए शांति की कामना करें। एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के बड़े और पूरियां बनाएं। इस दिन चावल का प्रयोग न करें। एक उपला जला लें और उस पर एक पूरी में रखकर उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति दें। एक जल से भरा पात्र भी रखें, फिर भागवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। एकादशी व्रत का पारायण एक दिन बाद किया जाता है, इसलिए इंदिरा एकादशी व्रत का पारायण 22 सितंबर को किया जाएगा। तो आप भी इंदिरा एकादशी के दिन इन विशेष ज्योतिषीय प्रयोगों के जरिए अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। आगे हम आपको पितरों की शांति के लिए एकादशी के दिव्य और अचूक उपाय बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। व्रत और उपासना इंसान को ईश्वर से जोड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि तर्पण और श्राद्ध का कोई लाभ ही नहीं मिल पाता। ऐसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम तिथि है ये एकादशी। इस दिन केवल एक उपाय से आपके पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति मिल सकती है। देखिए ये विशेष उपाय। एक उपाय से तृप्त हो जाएंगे पितृगण, एक प्रयोग से होगा आपका कल्याण। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी अनंत सुख, शांति और तृप्ति की तिथि है। जानकारों की माने तो इस दिन छोटा सा उपाय करके उन पितरों की आत्मा को शांति दिला सकते हैं जिन्हें किसी कारणवश अब तक नहीं मिल पाई है सांसारिक बंधनों से मुक्ति। भगवान विष्णु को फल और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु भगवान के सामने भागवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को फल का दान करें और एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगा दें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत शुभ होता है, इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया जाए तो पितृ का उद्धार होता है और पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो इस एकादशी पर आप भी कीजिए पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के उपाय और स्वयं को भी पितृ ऋण से मुक्त कर लीजिए। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज़ टुडे।